हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तसीर है और इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ऑसम फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान दैट मेन स्ट्रीम मीडिया नेवर शोज यू। ओके, तो देखेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पाकिस्तान के बारे में कौन सा सच नहीं दिखाता है, नहीं बताता है। तो ये भी इंटरेस्टिंग वीडियो है देखने के लिए, मुझे सुनना है, जानना है इसको इंटरेस्ट के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब? आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आज पाकिस्तान की सालगिरह, तो हम कैसे पीछे रह सकते थे। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे विच मेन स्ट्रीम मीडिया नेवर शोज यू। कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान एक कितना बजाहिर ऑर्डिनरी सा मुल्क है, लेकिन सारी दुनिया उसको डिस्कस करती है। यार फार ईस्ट से फिलीपींस वगैरह को देख लें और मिडिल ईस्ट दूर तक चले जाएं, इजिप्ट तक लोग आपके म्यूजिक के, आपके कल्चर के फैन है। वजह क्या है? इवन यूरोप और ब्राजील में भी लोग आपके गुण गाते हैं। आप कभी कॉमेंट सेक्शन पे जाए तो आपको पता लगेगा कि लोग आपके कितने बड़े फैन है। Because of lots of great culture, best music, natural beauty, both in human and in the land. इतना diversified हमारा culture है जिसमें मौलवी से लेकर एक pop female singer तक सब कुछ पाया जाता है। और इतनी ज्यादा ethnicities के बावजूद हम मिलजुल कर रहते हैं और यही चीजें मिलकर हमारा culture बनाती हैं और उसको strong करती हैं। इसके अलावा अगर हम music में देख लें तो हम लोगों ने legends produce किए हैं। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, आबदा परवीन, नाजिया हसन, वाइटल साइंस, जुनून, गजल्स में मेहदी हसन, जिनको पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, सासे हैं जो शायद ही किसी मुल्क के पास हो। इसके अलावा हमने मॉडर्न म्यूजिक में कोक स्टूडियो जैसी चीज दुनिया को दी है, जो अभी भी अगर आप लेबनान चले जाएं या आप इजिप्ट चले जाएं या फिलीपींस अगर आप चले जाएं तो आपको वहां के कैफेज में हमारे आतिफ असलम साहब के ताजदारे हरम लगे हुए नजर आएंगे। अगर आप कोक स्टूडियो के कॉमेंट सेक्शन में चले जाएं तो ब्राजीलियंस, अमेरिकन, इंडियंस और बहुत से मुल्क आपकी म्यूजिक पे बिछ रहे होते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं मेरी फेवरेट चीज, पाकिस्तान का लार्ज माउंटेन रेंज, जो दुनिया के तीन बड़े माउंटेन रेंज से मिलकर बनता है, कराकोरम, हिमालयंस और हिंदुकश। पाकिस्तान में दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, बलतोड़ो ग्लेशियर्स और सियाचिन ग्लेशियर, बहुत बहुत किस्म की। हमारे पास दुनिया की एक सबसे खूबसूरत रोड भी है, KKH, जिसको कराकोरम हाईवे भी कहते हैं और जिसको बिजनेस इनसाइडर ने, जो कि US का बहुत बड़ा मीडिया जायंट है, उसने कहा है कि ये दुनिया की 25 मोस्ट ब्यूटीफुल रोड्स में से एक है और इसको दुनिया का 8वां वंडर भी कहा जाता है। पहाड़ों के दरमियान आपने इतनी जबरदस्त किस्म की सड़क बनाई हुई है, हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल रोड, जो कि हमें चाइना से भी कनेक्ट करती है और यही रोड आने वाले दिनों में दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट CPAC को भी कैरी करेगी। हमारे पास वो मौसम है जिसके लिए यूरोपियंस और अमेरिकंस बहुत ख्वाहिश करते हैं। हमारे पास चार डिफरेंट किस्म के मौसम है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, बर्फबारी यहाँ पे होती है, खजां का मौसम है और बहार में फूल खिलते हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बीचेस की बात करें, थोड़ा सा सदरन पार्ट की तरफ जाएं, नॉर्दर्न पार्ट तो हमारा है ही बहुत ब्यूटीफुल। कराची के अलावा हमारे पास एक गवादर बीच है जो दुनिया की वाहिद वार्म वाटर डीप सी पोर्ट है और उसी बलूचिस्तान में एक कोस्टल हाईवे है जिसके साथ बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं और वो बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका में अल मशहूर ग्रैंड कैनियंस हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग सैर तफरी करने आते हैं और दुनिया को ये नहीं अभी पता कि बलूचिस्तान में ग्रैंड कैनियन से ज्यादा खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है लेकिन इसका वीडियो देखें ना, और इंशाल्लाह हम करीब हम उस कोस्टल हाईवे पे फिरेंगे और पाकिस्तान के ग्रैंड कैनियंस देखेंगे। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है, बल्कि बहुत से मुल्कों से बहुत आगे है। अब जैसे सर्न है, एक बहुत बड़ी साइंस की लेबोरेटरी है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वो एक अंडरग्राउंड टनल्स है जो यूरोप के डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट करती है और दुनिया भर से साइंटिस्ट आते हैं और वहां पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। पाकिस्तान सर्न का मेंबर 2015 में बना था और एशिया का पहला एसोसिएट मेंबर था। इंडिया भी अभी सर्न का मेंबर नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जिनका एंटार्क्टिका में रिसर्च सेंटर कायम है और पाकिस्तानी साइंटिस्ट वहां पे इंटरनेशनल साइंटिस्ट के साथ ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की दूसरी एंटार्क्टिक रिसर्च में अपना पार्ट प्ले करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत जगह पाई जाती हैं जो दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का पार्ट रह चुकी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इस वक्त के पाकिस्तानी शहर मोहनजोदड़ो के अंदर दफन है। इंडस वैली दुनिया की पहली महजब सिविलाइजेशन थी जिन्होंने सैनिटरी, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर और टूल्स यूज करना शुरू किए थे। प्रॉपर घर बने हुए थे और पूरा पानी की निकासी का निजाम था और वो लोग टूल्स यूज करते थे। वो इस दुनिया में पहले सिविलाइज लोग थे जो कि पाकिस्तान की सरजमीन पर थे। इतनी आयरोनिक बात यह है कि जो दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी बलूचिस्तान में, इस वक्त वो सबसे ज्यादा पसमानदगी का शिकार है, वो सबसे बैकवर्ड है और एक दौर था वहां से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई और उस जगह का नाम है मेहरगढ़। इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से बहुत मशहूर है। हॉकी में हमने ओलंपिक्स में कई दफा गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है, 4 दफा हम चैंपियन रह चुके हैं। स्क्वाश में हमारे जहांगीर खान वो प्लेयर हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव मैचेस दुनिया की किसी भी गेम में जीतने का रिकॉर्ड रखते हैं और वो थे 551 मैचेस जो उन्होंने लगातार जीते, जो कि एक रिकॉर्ड है, आज तक कोई भी दुनिया का स्पोर्ट्समैन वो तोड़ नहीं सका। और इस वक्त
फुटबॉल के जितने मैचेस खेले जाते हैं उनके 50% से ज्यादा फुटबॉल्स पाकिस्तान के एक शहर सियालकोट में तैयार होते हैं, और ये बात हमारे लिए बहुत फख्र का बायस है। हमारे पास फुटबॉल का भी बहुत टैलेंट है, कराची में बहुत रुल रहा है, बलोचिस्तान में है, और उसको ऊपर लाने की अशद जरूरत है। फूड में हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं कि अगर कोई गोरा बाहर से आता है तो वो फिदा हो जाता है लिटरली यार। चरगा, चपली कबाब, सिंधी बिरयानी जो बहुत ही मिर्चों वाली होती है, फलूदा, ऐसी चीजें कहाँ पे होती है यार। हलवा पूड़ी और इस टाइप की 100 किस्म की स्ट्रीट फूड्स हैं जो यहाँ पे मिलती हैं। हम लोग तो रोज चटखारे पहाड़े होते हैं, लेकिन जब दुनिया यहाँ पे आती है उसके लिए बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। तो फूड भी उनमें से एक रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम की पूरी दुनिया फैन है। मिलिट्री पावर वाइज भी पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। बिसाइड्स दैट वी हैव अ न्यूक्लियर पावर नेशन एंड वी हैव द बेस्ट मिसाइल सिस्टम इन द वर्ल्ड। वी हैव वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल्स एंड लीथल आर्मीज इन द वर्ल्ड एंड इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस। सबसे ज्यादा हमारे फौजी जाते हैं दुनिया भर के आफत ज्यादा इलाकों में और वहां पे लोकल लोगों की हेल्प करते हैं। ये बहुत बड़ा एहसास है। इसके अलावा इतनी चीजें हैं जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती। हमारे पास दुनिया की लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है, लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा डैम हमारे पास है। हम दुनिया की वो कंट्री है जो सबसे ज्यादा चैरिटी करती है, और ऐसी एनजीओ यहाँ पे मौजूद है जिसके पास एम्बुलेंस का सबसे बड़ा नेटवर्क मौजूद है, और वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ईडी फाउंडेशन, जो 24 घंटे अवेलेबल होती है किसी भी किस्म की आफत का मुकाबला करने के लिए। हैट्स ऑफ। इसके अलावा हम वो मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज को सपोर्ट करते हैं। इन सारी चीजों में मुझे एक बात मिसिंग नजर आती है, और वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। नेचर, ब्यूटी, इंटेलिजेंस वाइज तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट्स को इंसानों पर भी पैसा खर्च करने की बहुत जरूरत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट गवर्नमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेगी। तो मेरी पाकिस्तानी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो हमारा मीडिया इस वक्त नेगेटिव खबरें फैला रहा है और जो इंटरनेशनल मीडिया हमारे बारे में अजीबोगरीब बातें करता है, ये वीडियो उस नैरेटिव को काउंटर कर सके और दुनिया को पता चले कि कैसे इंटेलिजेंट लोग और रिच कल्चर है यहाँ पे। अगर पाकिस्तान की कोई ऑसम चीज हमसे मिस हुई है तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर फीचर करेंगे। भाई बोलते चले गए और मैं सुनता चला गया, भाई क्या कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास, इतना कुछ है, ऊंचाई से लेकर ज़मीन, मौसमों से लेकर पहाड़ वहाड़ और लोग, कल्चर, खाना पीना, कितना कुछ है यार पाकिस्तान के अंदर। बहुत ही प्यारा लगता है इन चीज़ों को जानने के बाद, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव साइड अगर देखी जाए तो यस ये बात सच है, इसमें मीडिया में ज़्यादातर मेन मीडिया जो है जो चलता रहता है उसके अंदर सिर्फ नेगेटिव साइड्स ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं हमें, पाकिस्तान की या फिर दूसरी कंट्री में इंडिया की भी देखने को ऐसे ही मिलती होंगी। मैं सरप्राइज़ हुआ कई जगह तो कि यार इतना कुछ है पाकिस्तान के पास, जो इजिप्ट वगैरह में जो अलग उसमें मिट्टी के जो टीले टाइप के कुछ देखने को मिलते हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, है पाकिस्तान में यार। इन पे एक एक वीडियो मुझे अलग अलग करके अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए देखने में, मतलब करने में, उसको जानने में। अगर ऐसी कोई वीडियोज़ हों इन चीज़ों से रिलेटेड आप पर, तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप मुझे वो चीज़ें भेज सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो अमेजिंग चीज़ें देखने को मिली, और सच में यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो रिकॉर्ड्स थे पाकिस्तान के पास जो मैंने भी नहीं सुने थे। ये वो वीडियो था जो पाकिस्तान की एक पॉजिटिव साइड को दिखाता है, और मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ किया कई जगह पर कि ये चीज़ें हैं भाई पाकिस्तान के पास। अमेजिंग वीडियो था। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, कैसा लगा हमारा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लाइक करते जाना, शेयर करते जाना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।